हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय दिया जय आज की हालचाल है सब ठीक ठाक वाला तो दिगड़ी। आज जो है मेरी शूटिंग का दूसरा दिन है और हम हैं गोपेश्वर के मांडला गांव में मांडला क्षेत्र में। तो पहले दिन का व्लॉग आपने देख लिया होगा, जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी आज जो है दूसरा दिन है और आज कम्प्लीट हो जाएगा मेरा ये वाला शूट। और किशन महिपाल जी का ये गाना है बहुत प्यारा और 8 साल पहले आया था ये गाना पर उसकी वीडियो नहीं बनी थी, तो आज मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और एक्सपीरियंस लोगों के साथ अगर आप काम करते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपको। तो चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मेरे 2 ही टेक हैं, मतलब 2 ड्रेस में है बस आज का और फिर मेरा कम्प्लीट हो जाएगा आज। चलिए आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेकअप तो ज़्यादा करना नहीं है, लिपस्टिक लगाती हूँ। तो गाइज अभी एक पार्ट हो चुका है, फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो है, जो स्टार्टिंग है गाने की उसका। और इतनी धूप हो रही है भयंकर, ऊपर से रिफ्लेक्टर की जो लाइट होती है सीधा जो है फेस पे पड़ती है। मुंह की हालत देखो कैसी हो चुकी है, पसीने से इतने पसीने आ रखे हैं ना, बट थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा के जो है पसीना रोक रखा है अभी। भाई साहब बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। तो अब जो है क्या पता दूसरी नहीं इसी ड्रेस में शायद से अब, फिर उसके बाद जो है ट्रेडिशनल ड्रेस होगी चेंज। घर में छे देवी थाना दिया जल दिए, घर में छे देवी थाना दिया जल दिए, प्यारी तू मेरे नाम को पाठ पढ़ दिए, प्यारी तू मेरे नाम को पाठ पढ़ दिए। तो दगड़ियों अभी जो है नीचे एक किशन महिपाल जी के दूसरे गाने का शूट चल रहा है। मेरा जो है अभी घास वाला जो है रीटेक था, तो थोड़ी देर बाद मेरा होगा, तब तक मैं आपको यहाँ पे वाटरफॉल के पास दिखाती हूँ। तो दगड़िया अभी जो है बहुत तेज बारिश हो चुकी है, देख सकते हैं आप, सभी लोग अभी खाना खाने के लिए गए हैं। तो गाइस बहुत तेज बारिश लग चुकी है और इनका डांस अधूरा रह गया है। मेरा बचा है थोड़ा सा। गाड़ी में बैठने के लिए भाग रहे हैं सभी लोग। दीदी से खास बिठाड़ा घट आए हैं, फिर भी देखो कैसा लग रहा है। दीदी कैसा लग रहा है इधर, तो देखो आप बढ़िया लग रहा है, मस्त आप ऐसे भी भाग रहे हो हमसे, क्योंकि दियो आ रहा है कहाँ जाने। तो दगड़ियों यहाँ पे टीचर्स आई हैं बहुत दूर से, हमें सारी टीचर्स मिली हैं। टीचर्स देखो नेट वाली टीचर्स, अब हेमो को भी डाल दे। तो दगड़ियों अभी ना बहुत झमाझम बारिश हो रही थी और मेरा जो है सुबह होने वाला था, फिर सुबह हो गया था आधा कंप्लीट, बट अभी कल एक शॉट खराब हुआ था तो हमें वो दोबारा से लेना है। और उसमें जो लड़की, ये मेरे पिताजी बने हैं, देखिए तो कल जो शॉट लिया था एक हमने जंगल वाला, तो उसमें ना कुछ वो हो गया था, ख़राब हो गया था। तो उसमें जो मेरे साथ 2 सहेलियाँ बनी थी ना गाने में, तो उनका भी ना शॉट चल रहा है यहाँ पे, तो वो जब वो ख़त्म करेंगी उसके बाद मेरा यहाँ पे झरने के पास एक शॉट जाएगा घास वाला, फिर उसके बाद एक शॉट और बचा हुआ है शाम के टाइम किचन में, रोटी बनानी है मेरे को, तो आप लोग खाने आ जाना। हाँ आप तो बनी गई होंगी, ब्लॉग तो लेट ही आएगा। तो भाई साहब मज़ा आ गया, वैसे मस्त जगह, एक नंबर की जगह है यार यहाँ पर, मस्त जगह है, बट बहुत एकदम से इतनी धूप आई ना सुबह के टाइम पे, पूरा चेहरा जल गया, ये देखो पूरा ये निशान देखो जलने के,
पूरी नाक यहाँ पे मेरी खाल से उतर रखी है, इसमें कैमरे में दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे पूरा काला हो रखा है। अब देखते हैं, अब तो मैं यहाँ से कल ही निकलूँगी शायद, क्योंकि अभी 4-5 बजने वाले हैं, तो कल ही निकलूँगी यहाँ से हल्द्वानी। उनको बोलो कुत्ता कोई चलाओ बोले। अभी यहाँ हिरन था, यहाँ नीचे गया, हमने पार देखा, माफी करी थी बहन, थोड़ा नंबर लूट रहा था में। खिड़की बंद कर लेती हूँ। रोड में देगा, कहाँ देगा तुमने गाड़ी की आवाज़? रोड में भाई, रोड में, रोड रोड से आया उसमें गाड़ी, जैसे और बैंक गाड़ी आ जाती है और शोरूम नीचे गया गाड़ी में से। हाँ तुम नीचे वाले रोड पर आएंगे ना, ऊपर की रोड से नीचे आए हो तुम। और बताओ, हम और से लोकान में अलग ही थी। बढ़िया गजब, बढ़िया लगी सही, बढ़िया गजब है भाई। आग वाओ चुलू, मेरे लिए आग वाले चुलू हुई तुम ते घर में भी आग वाओ चुलू है और नहीं तो क्या, मेरे रंजे आग वाओ चुलू। गढ़वाली कुमानी, और बताओ पे क्या हाल चाल है रान तुम्हारे? सब ठीक ठाक है। अच्छा कस लगना पे? बढ़िया लगनू, ब्याई बेटे तुम शूटिंग चलनी ब्याई भी। तो मैंने रोटी बनाई और अम्मा मेरे को जबरदस्ती रोटी खिला रही है, और मेरे को खानी पड़ेगी, नहीं खाऊंगी तो पटपटा देंगे अम्मा। गढ़वाली लोग पटपटा देते हैं, कुमाऊनी भी आपके यहाँ पटपटा देना बोलते हैं? हमारे फटकोण, हमारे में पटपटा देते हैं, पटपटाते ना फटा हमारे मानो बोना पिटाई कोल मालूम फटका दियो ना, फटका दियो अच्छा फटका दियो, हमारे भी ऐसे बोलते हैं, खा ली तो मार खा ली, रोटी नहीं खा ली फटके दियो लो। आप व्लॉगिंग करो लो हाथ से पकड़ के, त्या वीडियो बनाओ, आप अपना बनाओ, त्या बनाओ वीडियो बनाओ, यान का है हाँ जो बोलना है बोलो। मैं क्या बोलना है आपका? वो आप पोएम वो बोल रहे थे ना, एक कुछ कविता वाली कविता। ओके बाय बाय, गुड नाइट। तो वीडियो अभी शूट से जो है रूम पे पहुंच चुके हैं। मैं देखूं देखी रोलो तेरी भोली अनारा, मैं देखूं देखी रोलो तेरी भोली अनारा, ऐ जब मेरी गाड़ी में बैठा देख मैं आया पारा, मेरी गाड़ी में बैठा दिख मैं आया पारा, अलमोड़े पे गाड़ी चली मुंशरी बजारा, फिर बोली सूरत देखी महबूब मारा, फिर बोली सूरत देखी महबूब मारा। तो दगड़ियो मेरा 2 दिन का शूट जो है कंप्लीट हो चुका है। आज मुझे हल्द्वानी जाना था, बट अभी यहाँ से देहरादून की बस नहीं मिल रही है ना हल्द्वानी की मिल रही है, तो शायद मैं अब कल जा सकती हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ हैं दिव्या दी, जिनको आपने बहुत सारे गानों में देखा होगा, और हमारी सीनियर एक्ट्रेस है, तो उनके साथ मेरे को आज बहुत ही मतलब कल मैं इनसे मिली तो मुझे लगा नहीं कि ये इतनी मतलब पहले से ये काम करती आई, और इनका नेचर जो है बहुत अच्छा है, तो आज इनका शूट है इनके गाने का, तो आज इनके गाने का शूट का मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे पहाड़ी गाना जो है शूट होता है। अभी हम आए हैं लोकेशन, ये जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है, बाकी आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा जो जो यहाँ से है। ये दा के यहाँ पे ना कुछ वो प्रॉब्लम हो रखी है, देख सकते हैं आप होंठ में, ये देखो मधुमक्खी ने चटका दिया था इनको, कल इनको मधुमक्खी ने चटका दिया। मेरे हाथ में इतने सारे कुरी के फूल, और हमारे साथ है फेमस DOP विकास कोटनाला जी, वो उधर हमें कुछ दिखा रहे हैं। ओ मस्त हो रखा है ना, कहाँ पे लोगे शॉट? अच्छा इधर से गांव भी आएगा, फिर वो है, फिर उधर है वो सामने वाला गांव, लास्ट गांव। हाँ बुगिया कहाँ है? ऊपर
नहीं नहीं उधर वो सामने लाल टिप्पन दिख रहा। हाँ वो लाल वाला। हाँ तो वहाँ से उस साइड को ना। अच्छा मस्त लग रहा है। सबसे अच्छा है पप्पूदा का यहाँ पे शूट में है। कहीं सारे गाने और डीडीआर की छमने छोरी यहाँ शूट हुआ है। अभी जो जंगल का शॉट है वो हम वहाँ ही जा रहे थे। अच्छा तो कोहरा लग रहा है। ये मेरे को लगा कुमाऊं साइड हुए होंगे वो शूट। नहीं नहीं वो सब यहाँ वो वाला यार काजल को टिक लगाए। अच्छा तो ये व्यू देखा तुमने ये वाला। हाँ। जब ये ट्रॉली चल रही है यहाँ से इधर को नीचे वाला व्यू ये खेत जो काजल को टिक लगाए नेहरू लेक पे। यहाँ पे ट्रॉली चल रही थी हमारी। और यहाँ पे एक पत्थर है वहाँ पे अब्बू भाई थे हीरोस में। और पीछे ऐसा खेत दिख रहा होगा देखिए ना उसमें कभी तो यहाँ पे शॉट लिया था। फिर ये ट्रेन यार नेहरू लेक पेंट जैसी उधर पेंट के डिब्बे रखे थे हमने। और वो वहाँ पे ट्रॉली रखी थी वहाँ से शॉट ले रहे थे ये वाला व्यू ले रहे थे। तो ये झरना वगैरह देख लेना उसमें। पहले ट्रॉली चलती थी। हाँ। वो जो लगाते थे फिर उसमें कैमरा बड़ा। हाँ, फिर चलाते थे। हाँ। अच्छा गिम्बल अब आया है ना। यही करते थे ये वाला पत्थर कई गानों में देखा होगा। फेमस पत्थर है पहाड़ी गानों का फेमस पेंट वाले में देखने का भी ठीक। वहां से ना इधर का व्यू होना ना तब तब वो नेहरू लेक वाला गाना या पप्पू कारी का डी डी हाटे की छमना बहुत बहुत गाने हैं यहाँ पे के बहुत गाने बहुत तगड़ा व्यू लग रहा है। हमारा लोकेशन ही यही था जब हम थे। हाँ। कोई नहीं आता किसी को पता नहीं था ये मैं यहीं का हूँ तो आपको तो पता है लोकल पता था। तो हम लोग क्या करते हैं जैसे लो बजट के होते थे ना जिनमें पैसा कम होता उस समय एल्बम तो एक गाना यहाँ छापना है जी तो सूरज इधर से निकलता है। हाँ। तो इधर से सूरज निकलता है तो पहला फ्रेम हमारा ये होता था। हाँ। सुबह 8 बजे का फिर धीरे धीरे सूरज इधर जाता था तो इधर घूमते थे फिर इधर घूमते थे चारों तरफ लोकेशन ही लोकेशन है। लास्ट में जब सूरज वहाँ होता तो इधर का लोकेशन होता था तो गाना खत्म। का झाला घुगुती यहीं पे हुआ है। अच्छा हाँ देखिए मैंने वो वीडियो तो लेडीज डांस करे ना। हाँ तो ये वाला व्यू देखा होगा। हाँ ये देखा था पीछे का ये वाला पहाड़ है तो कैमरा उसमें उस पत्थर पे लगाया था हमने। पता कितनी पुरानी वीडियो है ना 2011 की। हाँ किंगारे का चार आजकल बरसात है तो घास हो रखी है। नवंबर दिसंबर में ऐसा पूरा मैदान रहता है। किंगारे का चाला कबूती किंगारे का चाला कबूती पहले एल्बम हुआ करते थे तो 8 गानों में से 2-3 गाने यहीं करते थे। अभी क्या है कि एक ही गाना हो रहा है। एक ही गाने के लिए इतने देहरादून से गोपेश्वर आओ तो बहुत मुश्किल होता है। पहले तो एक एल्बम में 8 गाने 8 के 8 शूट और हम 3-3, 4-4 एल्बम लेके चलते थे। बाप रे महीने 1.5 महीने बाद घर जाते थे तो हमारा यही रहता था एक दो गाने यहाँ पे करें एक दो गाने वहाँ पे करें एक दो गाने उधर करें एक दो गाने। होटल कमरे का किराया उस समय 100-150-200 रुपये होता था। आज 1500 रुपये एक कमरे का किराया। बाप रे कौन आएगा वहाँ इतनी दूर से यहाँ। हाँ। कम से कम 1500 हमारे लिए हम लोग कर लें जब कम से कम और भी कम करेंगे तो 1000 रुपये। उस समय 30 रुपये खाना होगा करता था 30 रुपये प्लेट 10 रुपये का नाश्ता हो गया 5 रुपये की चाय होगी 10 रुपये का नाश्ता। हाँ मतलब अब रोटी अच्छा। खाओ 2-3 रोटी खाओ अगर पराठा खाओ 10 रुपये का एक पराठा 2 पराठा खा लिया 20 रुपये का पराठा खा लिया 5 रुपये की चाय तो 50 रुपये का एक पराठा है महंगा है। 2 पराठा खाओ 100 रुपये चाय पियो 20 रुपये की चाय दे रहे हैं लोकल आदमी को 10 की दे रहे महंगाई। ना ही प्रोड्यूसर समझते हैं ना ही पब्लिक समझती है ना ही कुछ बस कलाकार सब बदल गया हमारा पैसा ही नहीं बदला वही है यहाँ पे तभी तो ग्रो नहीं कर पा रहे। पहले 1,00,000 रुपए में हम 2 एल्बम शूट कर देते 8-16 गाने आज 1,00,000 में एक क्या एक भी नहीं हो पाना 1,00,000 में एक गाना शूट हो गया। यार लाल में लाल जम नहीं रहा या दूसरा ना यहाँ पर वो गजरा गुजरा हर उसमें रहेगा दूसरी वाली साड़ी में भी रख लेते हैं यहाँ पे दूसरा ले लेंगे क्योंकि
जून मास ठंडी हवा पंची पड़ गोला जित गली लो कह दिनी तो गुलाबी थोला ओ हो गड़ी। अभी शूट ही चल रहा है और बहुत ही भयंकर अब धूप आ चुकी है यहाँ पे, पूरी टैनिंग जल चुका है। अच्छा बदिना तो साइड है, बारिश आ रही है। ए लादी खरा सोने में जब बालियों लो पटुली में प्यारा दिन भरी मैं काम दम तलकी मधुलीट मेरदा गाड़ा नैनी तलकी मधुलीट मेरदा गाड़ा घुमियाली धरी चूला ले नीला ओ हो घुमियाली धरी चूला ले नीला दर चूला बे गाड़ी चली कुमाऊं हिले माँ तुझे मेरी माया धरा तू मेरे दिले माँ दर चूला बे गाड़ी चली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है ओए ओए ओके ओके बेटे।